सोहेल, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कल के स्टॉक्स और जानेंगे मार्केट इस लेवल से कैसे ट्रेड कर सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कभी मिस नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई के नीचे अपना क्लोजिंग दिया है और अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम आज से यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं। सो यहाँ पे फ्यूचर लेवल्स पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर है, जिसके चलते कल आपको निफ्टी यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट को, तो यहाँ पे आज एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग मुझे देखने को मिल रहा है। तो गाइस, कल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड की ओर अपना फोकस रखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जिसमें कल हमें अपना ट्रेड कंसिडर करना चाहिए। सो जो निफ्टी है वो आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता है, लेकिन क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में इसमें मोर देन 600 पॉइंट्स का एक रैली आ चुका है, सो हम इसमें कोई भी एग्रेसिव बाय ट्रेड लेने से अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा। अभी अगर देखा जाए तो 16,600 के टूटने पे हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर इसमें एक सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, और वो भी फ्यूचर साइड में। और इन केस अगर यहाँ पे एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसमें 16,600 यहाँ पे टूटता है तो हम एज ए स्कैल्पर 16,600 का एक इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं ओआई प्लॉट पे 16,600 के ऊपर थोड़ी बहुत कॉल राइट हो रहा है, और अभी के लिए हम नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी अभी यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस यहाँ पे 16,500 के ऊपर थोड़ी बहुत पुट अनवाइंड होता है तो हमें मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, और उस केस में हमें 16,500 यहाँ पे एक्सपायरी तक टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, तो यहाँ पे 36,000 का जो मेजर लेवल था वो आज ओपनिंग के वक्त टूट चुका है, और आज इसने लो फॉर्म किया है अराउंड 35,611 के लेवल्स पे। सो अभी क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं 35,800 के जस्ट ऊपर, सो अभी एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए अगला सपोर्ट होगा 35,800 का लेवल, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए पिछले कुछ दिनों से एज ए सपोर्ट क्लोजिंग के बेसिस पे काम कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पे हम ओआई प्लॉट पे देख सकते हैं अभी के लिए 36,000 के ऊपर एक ह्यूज कॉल राइटिंग है, और हम ऊपर के लेवल्स पे यानी 36,000 से लेके 36,400 तक यहाँ पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होता हुआ देख सकते हैं। सो गाइस, मार्केट यहाँ पे थोड़ा करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेजरली बैंक निफ्टी के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 36,000 के नीचे थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखाई देगा, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं 36,000 और 35,800 के बीच इन द मनी पुट को हम बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहें तो आप 36,000 के ऊपर अपना कॉल कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जो कल हमें अपने कैश ट्रेड के लिए कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस, कल हमारा मेन फोकस रहेगा मेटल सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो वोलेटिलिटी पिछले दो दिनों से हमें देखने को मिला है, सबसे ज्यादा करेक्शन हम मेटल सेक्टर में अभी यहाँ पे देख सकते हैं। सो आज हमारा पहला स्टॉक है वेदांता, जिसमें आज मोर देन 9.9% का हमें एक प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखा, और इसमें हम एक मेजर सपोर्ट लेवल भी टूटता हुआ देख सकते हैं जो था 300 का लेवल। सो अगर फिर से कल ओपनिंग के वक्त 300 का लेवल टूटता है तो हम एज ए स्कैल्पर इसमें एक सेल ऑर्डर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट रहेगा 294 और 290 तक के लेवल्स, और एज ए स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं अप टू 304 और 305 तक के लेवल्स। इसके बाद जो अगला स्टॉक है ये भी बिलोंग करता है स्टील सेक्टर को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंदल स्टील जैसे एक ब्लू चिप स्टॉक को। सो गाइस, यहाँ पे स्टॉक
पिछले 2 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 430 के ऊपर, लेकिन आज एक ही दिन में इसमें मोर देन 3.5% का एक प्रॉफिट हम होता हुआ देख सकते हैं, जबकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो अभी के लिए अगर ये अपने आज के क्लोजिंग लेवल के नीचे ओपन होता है, यानी गैप डाउन ओपनिंग अगर इसमें आपको दिखाई दे, तो आप 415 के नीचे इसमें एक सेल ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं, और हमें एज ए टारगेट अप टू 408 और 405 तक के लेवल्स यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, और एज ए स्टॉप लॉस हम 420 तक के लेवल्स को एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको और हमें एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाने में थोड़ी बहुत आसानी हो सके। तो चलिए देखते हैं अपने तीसरे और चौथे स्टॉक को। सो गाइस, जो तीसरा स्टॉक है ये है हिंदुस्तान जिंक, और आज स्टॉक में अराउंड 4% का एमआई ह्यूज प्रॉफिट बुक होता हुआ देख सकते हैं। पिछले दो स्टॉक्स की तरह यहाँ पे भी मेटल्स सेक्टर से बिलोंग होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है, और क्योंकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो रहा है, सो अभी के लिए इसमें आगे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के वजह से थोड़ी और यहाँ पे डाउन साइड दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कल हम कंसिडर कर सकते हैं एक सेल ट्रेड, और वो भी 316 के लेवल्स के नीचे। सो हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 310 तक के लेवल्स, और एज ए स्टॉप लॉस आप 3-4 रुपी का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी सेल, और इसमें हम 150 के नीचे पिछले कुछ पीरियड से यहाँ पे प्रॉफिट को बुक होता हुआ देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक अगर 130 के नीचे सस्टेन करता है तो कल हमें एक सेल ऑर्डर लगाना है, और हम एज ए स्कैल्पर इसमें 1-2% का एक प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें ट्रेड लेना है 130 के नीचे, और हम अपना प्रॉफिट अराउंड 127 के लेवल्स पे इसमें बुक कर सकते हैं। एज ए स्टॉप आप कंसिडर कर सकते हैं 2-2.5 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस, और इस पे यहाँ पे आपको ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट को कंजर्व करते हुए चलना है। सो गाइस, लिस्ट में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ओपन होने से पहले कुछ एक्सक्लूसिव मार्केट अपडेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप बिना कोई स्पेकुलेशन किए और काफ़ी आसानी से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग ग्रुप का पार्ट बनना, तो उसका लिंक और डिटेल्स आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, जिससे ज्वाइन करने के बाद आप हमारा जो डिस्कॉर्ड मेंबर ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कुछ अगर पर्सनल सवाल है वो लिया जाता है, और आपको वहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑप्शन ट्रेड के डिटेल्स शेयर किए जाते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए हमारे टीम का सपोर्ट कुछ मल्टीबैगर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस को। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।